मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढ रही हूँ, पता नहीं था तुम यहाँ हो। ये वही रूम है ना जहाँ इफ्रा इफ्रा का कमरा। बेचारी, देखो तो किस हाल में रह रही थी यहाँ, गर्मी के दिन रात कैसे गुजरते होंगे उसके, सोच के बड़ा रहम आता है उस पर। ये तुम कह रही? हाँ, अब ठंडे दिल से सोचती हूँ तो तुम्हारी इज्जत और भी बढ़ जाती है मेरे दिल में। तुमने एक लड़की को सहारा दिया, वो भी उसके मुश्किल तरीन वक्त में। हाँ, ये अलग बात है कि तुम्हारी अच्छाई बेचारी इफ्रा के हक में बदतरीन साबित हो। काश काश ये जुल्म तुम ना करते। क्या मतलब है तुम्हारा नादिया? मैंने क्या जुल्म किए? हाँ ठीक है, मैं इफ्रा का ठीक तरीके से ख्याल ही रख सका, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने उसे उसकी मोहब्बत से दूर किया है। अगर उस रोज तुम उससे शादी ना करते तो वो इस अनचाहे बंधन में बंधती ही ना। बुरा मत मानना, मगर तुमने उसे कैदी बनाकर इस छोटे से कमरे में कैद करके रखा हुआ था, ऊपर से मारुफ पाची की सख्ती, बहुत जुल्म है, बहुत नाइंसाफी हुई है इफ्रा के साथ। जो भी है, उसे ऐसे घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, बहुत बुरा किया इफ्रा ने। मैम, जाना तो उसे था, उसे इस घर में सिवाय तकलीफ के और मिला ही क्या है? अगर तुम्हें जरा सी भी उसकी परवाह है तो उसे उसकी खुशी लौटा दो, डिवोर्स दे दो इफ्रा को, ताकि वो साहिर के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार सके।